हेलो फ्रेंड, दिस इज गौरव सैनी। वेलकम टू आपका अपना चैनल स्टडी विद गौरव। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 हिस्ट्री मैप वर्क करने वाले हैं। टर्म फर्स्ट के लिए सीबीएसई बोर्ड ने जो मैप वर्क प्रिस्क्राइब किया है हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, तो उसको हमें वो कंप्लीट करना है, क्योंकि अब आपके टर्म फर्स्ट आने वाले हैं और उसी से रिलेटेड एक वीडियो मैं लेके आया हूँ। आई होप आपको पसंद आएगी। और मैप कैसे भरा जाता है, कैसे होता है, ये भी आपको समझ में आए। चैप्टर फर्स्ट, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है और इससे रिलेटेड ये कुछ मैप वर्क सीबीएसई बोर्ड ने आपको प्रिस्क्राइब किया है और इसकी तैयारी आपको करनी है दोस्तों। तो यहाँ पे हमारे पास ये चार साइट्स हैं, बोर्ड ऑफ नाइनटी, पेरिस और मार्सेल। ये चारों फ्रेंच रिवॉल्यूशन के कुछ इंपोर्टेंट प्लेसेस हैं जिनको हमको फ्रांस के आउटलाइन मैप पे लोकेट करना है। मैप वर्क का क्वेश्चन दोस्तों दो तरीके से आएगा, या तो आपको ब्लैंक इस तरीके का मैप आएगा जहाँ पे कोई भी डॉट्स या कुछ भी लगा हुआ नहीं होगा, और आपको ये नाम दे दिए जाएंगे और ये आपको लोकेट करने हैं, आपको खुद ही पहचानना है कि इसमें पेरिस कहाँ है, मार्सिलिस कहाँ है, नाइनटीज कहाँ है। दूसरा तरीका ये होता है कि आपको ये डॉट्स लगे हुए आएंगे, ठीक है, इन चारों लोकेशन के डॉट्स लगे हुए आएंगे और आपको जगह पहचाननी है कि कौन सा डॉट किस जगह को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये दो तरीके होते हैं दोस्तों। तो देखिए, अगर फर्स्ट जैसे मान लीजिए हमको ये चारों नाम दिए गए हैं और हमको ये आउटलाइन मैप ऑफ फ्रांस में ये करने हैं, तो इसकी लोकेशन आप एक बार अच्छे से समझ लीजिए। तो पहला है हमारा बोर्डो। अच्छा, इनमें भी फ्रेंड्स इनके प्रोनंसिएशन में थोड़ा सा दिक्कत रहती है कई बार बच्चों को, क्योंकि इनके फ्रेंच प्रोनंसिएशन कुछ और है और हम लोग इसको कुछ और प्रोनाउंस करते हैं, क्योंकि फ्रेंच वर्ड है, फ्रेंच सिटीज हैं, ठीक है। तो जैसे ये वैसे बोडॉक्स लिखा है, ठीक है, बोडॉक्स इसको हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन फ्रेंच लैंग्वेज में इसको बोडो बोला जाता है, बोडो, ठीक है। और ऐसे ही ये नाइनटीज लिखा है, लेकिन फ्रेंच लैंग्वेज में इसको हम नॉन्टे पढ़ेंगे, नॉन्टे। पेरिस तो पेरिस है ही, और ऐसे ही ये है मार्सेलिस, इसे भी मार्से पढ़ा जाता है, ठीक है, मार्सेलिस नहीं बोला जाता, तो मार्से पढ़ा जाता है। फ्रेंच लैंग्वेज में लास्ट के ये ज्यादातर वर्ड साइलेंट हैं, इनको प्रोनाउंस नहीं किया जाता। चलिए, तो अब हम इनको लोकेट कर देते हैं। देखिए, फर्स्ट वन है बोर्डो और इसकी लोकेशन यहाँ है, ये लोकेशन है बोर्डो, तो हम यहाँ लिख देते हैं, फर्स्ट लोकेशन इज बोर्डो। और इसमें आप देख लीजिए फ्रांस का जो मैप है उसमें साउथ वेस्ट की तरफ जो सबसे कॉर्नर वाला ये स्टेट है, यहाँ पे ये शहर बोर्डो आपको मार्क करना है। इसके बाद नॉन्टे या फिर नाइनटीज बोल दीजिए, ये इसकी जो लोकेशन है, ये आप अगर वेस्ट में सबसे देखें, सबसे वेस्टर्न पार्ट इसका ये वाला है, इसका सेकेंड नंबर पे जो ये स्टेट है, यहाँ पे हम इसको लगाएंगे 90, ठीक है दोस्तों। इसके बाद थर्ड वन इज पेरिस, तो यहाँ पे नॉर्थ में आ जाइए, नॉर्थ में जो सबसे टॉप मोस्ट जो आपको ये दिख रहा है स्टेट के थर्ड नंबर पर, 1 2 3, यहाँ पर आप पेरिस लगा दीजिए, ठीक है। और फोर्थ वन इज मार्से, इसको आप यहाँ लगाएंगे साउथ ईस्ट में जो सबसे लास्ट वाला स्टेट है, इसमें यहाँ पे ये आपका मार्सिलिस है। तो इस तरह से आपकी ये चारों लोकेशंस लोकेट हो गई। अगर आपको ये डॉट्स लगे आते हैं तब भी दोस्तों आपको पहचान लेना है कि भाई नॉर्थ से थर्ड वन पेरिस है, वेस्ट की तरफ जो सबसे वेस्टर्न हिस्सा ये बाहर निकला हुआ है फ्रांस के मैप का, उसके सेकंड स्टेट में ये नॉन्टे है, नाइनटीन बोल दीजिए। इसके बाद साउथ वेस्ट में जो स्टेट है ये वाला, अगर इसकी हम बात करें तो बोडो यहाँ पड़ेगा आपका, और साउथ ईस्ट में ये मार्से। तो ये इस तरीके से आप इस मैप को फिल कर सकते हैं। आई होप आपको ये हिस्ट्री का जो मैंने मैप कराया है समझ में आया होगा और आप इसकी ट्रिक्स भी सीख रहे होंगे किस तरीके से इजीली आप इसको याद रख सकते हैं। ये चारों ही सिटीज फ्रेंच रिवॉल्यूशन में काफी इंपॉर्टेंट रही है, तो ये चारों प्लेसेस काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों फ्रेंच रिवॉल्यूशन में। मार्से जो है ये हमारी जैकोबिन पार्टी के जो लोग थे वो यहीं से आते थे, ठीक है।
पेरिस इवेंट आप जानते ही हैं कि चैप्टर के शुरू में ही आपने बास्टिल को देखा था कि उसको तोड़ दिया गया था, वो पेरिस की घटना थी। 90s इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे रीन ऑफ टेरर के टाइम पे काफी ज्यादा मास एग्जीक्यूशन हुए थे, और बोडो में जिरोंडिन पार्टी की संगठन हुई थी। जिरोंडिन पार्टी जो कि एक काफी इम्पोर्टेंट पार्टी रही, जिसका कि रीन ऑफ टेरर के टाइम पे जिनके लोगों को काफी ज्यादा मारा गया था, तो वो यहाँ बोडो से बिलोंग करते हैं। इसलिए चारों ही प्लेस फ्रेंच रिवोल्यूशन में काफी इम्पोर्टेंट है दोस्तों। इनकी आप इम्पोर्टेंस भी जान लीजिए, इनको भरना सीख लीजिए, मैप में लोकेट करना सीख लीजिए। आई होप आपका एग्जाम में इससे काम चल जाएगा। अच्छे से तैयारी कीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक। हैव अ नाइस डे।